कोरोना महामारी में अस्पतालों में कोविड मरीज एडमिट हैं। गुजरात के कोने कोने से, गांव से, शहरों से अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन मरीज को एडमिट करने के बाद उनके जो परिजन हैं, वो शहर से गांव वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो दूर दूर से आए हुए हैं। मरीजों को तो अस्पताल में सरकार की ओर से सभी चीजें मुहैया करवाई जाती हैं, लेकिन बाहर जो उनके साथ उनका परिवार आया हुआ होता है, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन ऐसे लोगों के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की गुजरात टीम और संस्थाएं मिलकर एक भगीरथ कार्य को शुरू करती है। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के जो परिजन साथ में आए हुए हैं, उनको पूरा दिन पानी, एनर्जी ड्रिंक्स, नाश्ता, चाय, खाना, रात का खाना सभी मुहैया करवाया जाता है। कोई भी मरीज का परिवार अस्पताल के बाहर ना तो भूखा उठता है और ना ही भूखा सोता है, ना तो उसे प्यासा रहने देते हैं, क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम और संस्थाएं इन परिजनों का खाने से लेकर हर चीज का ध्यान पूरे दिन रख रहा है। कई अस्पतालों के बाहर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम और संस्थाओं की सेवा को लगातार लोग देख रहे हैं और लोग तारीफ भी कर रहे हैं। जो तीमारदार वहाँ पर मौजूद हैं, वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुनिए। जी सर, मेरा नाम कौशिक कुमार एम प्रजापति है। यहाँ पे मेरी मम्मी को एडमिट किया हुआ है, आज 5 दिन हो गए। मैं सुबह शाम दोनों टाइम इधर आता हूँ, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की जो टीम है, वो जो भी यहाँ रिलेटिव आते हैं पेशेंट के, उनको पानी, खाना, चाय, नाश्ता वगैरह सामने से जाके उनको अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं। नमस्कार, मैं यहाँ 3 दिन से मेरे भाई को लेके आया हूँ। अगर मेरे ऐसा था कि ऐसे कोरोना महामारी में हमको खाना कौन खिलाएगा, इधर और रहेंगे क्या? लेकिन यहाँ पता चला कि न्यूज़ ऑफ इंडिया वाले जो भाई है कोरोना में, उसकी सेवा इतनी बढ़िया है ना उसके न्यूज़ वाले की, तो सब खाना पीना, चाय, नाश्ता, सोने का सब व्यवस्था वो करते हैं। पानी भी वो पिलाते हैं, खुद जाकर सबको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरी मिसेज अभी अंदर ICU में वेंटिलेटर पे हैं। मैं 3 दिन से यहाँ पे बाहर, हॉस्पिटल के बाहर हूँ। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया वाले जो ये भाई साहब हैं, वो बहुत अच्छे से चाय, पानी, नाश्ता वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त जब हमको यहाँ पे आस पड़ोस में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं मिल रही, वैसे में हमें सब कुछ सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया वाले इतनी अच्छे से सबको सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी यहाँ पे एडमिट है अंदर 8 दिन से, हम लोग सुबह शाम आ रहे हैं इधर, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड वाले इतना सबको मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी उनके रिलेटिव आ रहे हैं यहाँ पे, सबको पानी, चाय और सब इतना अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं इधर कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है इधर। यहाँ पे हम लोग 3 दिन से आए हैं। न्यूज़ फॉर इंडिया ने हमको बहुत हेल्प किया है। यहाँ पे हमको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, पानी की सुविधा है, अच्छे चाय नाश्ता सब कुछ मिल रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को बहुत बहुत खूब खूब आभार। मैं कौशिक पुलिस भाई प्रजापति के मदर के ट्रीटमेंट में साथ में आ रहा हूँ, और मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत मेहनत कर रही है और बहुत अच्छी तरह कर रही है। खाने पीने का सब कुछ सामान बिल्कुल सही तरह से, जो बाहर से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, सबको पेशेंट के सगे वाले को पहुँचाते। मेरा नाम सुरेश प्रजापति है, मैं SK का रहने वाला हूँ। इधर 3 दिन से मैं इधर जो GMDC ग्राउंड में जो पार्किंग एरिया में रुका हूँ, मेरी बहन की रिलेटिव ने तो उधर जो सेवा दे रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया वाले, बहुत अच्छी है। और हम सब उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि वो सब लोग की दुआएं उन्हें लगे, और हम भी यही चाहते हैं कि वो आगे ऐसी सेवा करते रहें।